भागलपुर के नाथनगर भतौड़िया कंझिया फोरलेन चौक के समीप ओवरब्रिज और अंडरपास की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं मिर्जा चौकी से मुंगेर फोरलेन के नाथनगर भतौड़िया कंझिया स्थित बाईपास सड़क पर ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग को लेकर दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग बीते गुरुवार से धरना पर बैठे हैं। आज धरना के तीसरे दिन भी लोग तंबू लगाकर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलता रहेगा। मौके पर बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि काफी संख्या में लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल है, ग्रामीणों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि करीब 10 लाख की आबादी का इस सड़क से रोज आना जाना होता है। वही पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर आलोक यादव ने कहा कि यह धीरे धीरे विकराल समस्या का रूप लेता जा रहा है। जनता अंग्रेजी शासन में नहीं जी रही है, ये जनता की खुद चुनी हुई सरकार है। मौके पर बसारुल हक, अशोक कुमार, मंजीत ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, आज बाईपास कन्हैया के पास यहाँ के सैकड़ों गांव के लोगों के माध्यम से लगातार आज तीसरा दिन ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि कन्हैया के पास ओवर ब्रिज या जो है अंडर पास जो बने, क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन का मुख्य विषय, ये रास्ता अगर बंद हो जाएगी तो दर्जनों क्या सैकड़ों गांव इससे प्रभावित होगा, 10 लाख की आबादी जो है इससे प्रभावित होगी। इस रास्ते से भागलपुर टू बांका तक का लोग यात्रा करते हैं, भागलपुर से शाकुंड तक के लोग यात्रा करते हैं, यानी सैकड़ों गांव को इससे काफ़ी प्रभावित होगा। यहाँ के लोगों का मांग है, यहाँ की जनता के बीच काफ़ी आक्रोश है, अगर हम लोगों का ये बंद हो जाएगा हम लोग बाजार कैसे जाएंगे, मेरे बच्चे स्कूल और कॉलेज कैसे पढ़ाई करने जाएंगे, हमारे गांव के लोग मजदूरी करने के लिए बाजार जाते हैं वो कैसे जाएंगे, हम लोग का व्यवसाय का वर्ग जो है वो प्रभावित होगा। आम जनजीवन जो प्रत्येक दिन हम लोग जाते आते हैं, सुलभ रास्ता है और बिजी रास्ता है, ये रास्ता का उपयोग जब बंद हो जाएगा हम लोग के साथ जीने मरने की स्थिति हो जाएगी। जब जीने मरने की स्थिति हो जाएगी, यहाँ की जनता ने कहा है हम यहाँ से जिलाधिकारी भागलपुर तक पद यात्रा करेंगे, यहाँ की जनता ने कहा है हम रोड जाम करेंगे। बहरी और गूंगी सरकार जब निकम्मी हो जाती है, निकम्मी सरकार के खिलाफ में गुलबंद होकर के ये लोग आवाज उठाएंगे और सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है, गरीब जनता के लिए होती है। दुर्भाग्य है इस देश में एक लोग के लिए कानून बनता है, अगर किसी एक मंत्री का घर रहता ओवरब्रिज और अंडरपास बन जाता, लेकिन गरीब का घर है, इसलिए गरीबों की चिंता इस देश में नहीं है। ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार हम जन विरोधी है, इसलिए अविलंब आकर के या तो बात करे नहीं तो बड़ा आंदोलन का रूपरेखा जो है बिल्कुल तय होगा और आर पार जो है लड़ाई होगा। ये लड़ाई दबने वाला नहीं है। चक्रपाणी हिमांशु, अध्यक्ष पूर्व बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य का विषय है कि जैसा कि आप समझ रहे हैं और मीडिया भाई लगातार लगे हुए हैं इसको कवरेज करने में, ये विकराल समस्या का रूप लेता चला जा रहा है। जब जनता ने मुझे नाथनगर दक्षिणी का जिला पार्षद बनाया था, इस समस्या को लेकर के हम प्रतिनिधिमंडल के साथ डीएम साहब से मिलने के लिए गए हुए थे और उनको प्रतिवेदन भी दिए हुए थे। निश्चित तौर पर ये सड़क चंपा नगर से होते हुए भतौड़िया दरियापुर से होते हुए अमरपुर बांका तक जाती है, तो ये निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, जिला के वरीय पदाधिकारी के साथ साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की हमारी जनता के लिए विफलता है, हमारी जनता के लिए विफलता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भागलपुर से, नाथनगर से जो हमारे वरीय प्रतिनिधि जो चयन करके पटना विधानसभा में जाते हैं या दिल्ली लोकसभा में जाते हैं, वो भी सरकार को ये चेता नहीं पाते हैं कि इतनी बड़ी समस्या को आपने खड़ा किया है। अगर ये अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बनता है तो जनता को निसंदेह काफी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है और जनता अंग्रेजी शासन में नहीं जी रही है, ये जनता की अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी चुनी हुई शासन सत्ता है। और अगर ऐसे परिस्थिति में जनता को इतना कष्ट का सामना करना पड़े कि अगर
500 मीटर पर जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर घूम करके जाना पड़े तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही गलत है। 5 किलोमीटर तक जनता 5 मीटर पर जाने के लिए 5 किलोमीटर नहीं घूमेगी और ये अन्याय है। बांका जिला के इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य मार्ग पर नगरडीह गांव के समीप शुक्रवार की देर शाम एक अनियंत्रित वाहन ने कांवरियों को रौंद दिया। घटना में 6 कांवरियों की मौत की बात सामने आ रही है, जबकि एक दर्जन से अधिक कांवरिया जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना शुक्रवार देर शाम की है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर SDPO विपिन बिहारी एवं SDO अविनाश कुमार ने 5 कांवरियों की मौत की पुष्टि की है। वही घटना से गुस्साए कांवरियों ने रोड जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद SDO और SDPO ने कांवरियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मौत की खबर, कितने लोगों की मौत हुई? बाइक लगा रहे, काफी मतलब दुखद ये घटना हुई है और इसकी जानकारी मिलने के साथ ही सभी प्रशासन जो आसपास के क्षेत्र के थे, पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन, सभी लोग हम लोग तत्काल मौके पे आए हैं। मौके पे आने पर हम लोग ने जो है देखा, अभी भीड़ काफ़ी थी और उग्र थी, लेकिन बाद में जो है जनप्रतिनिधि आए, सब लोग सुजीत दीपांकर जी आए, जिन्होंने बातचीत की और सभी लोग बात किया और अन्य जनप्रतिनिधि, तो मामला थोड़ा शांत हुआ। फिर हम लोग जो लोग मृत हुए हैं उनके डेड बॉडी को लेकर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेजे हैं। अभी क्या है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, तकरीबन 10-11 के करीब में लगभग लोग घायल हुए हैं, तो अभी हम लोग ये घायलों का इलाज चल रहा है, तो ये डाटा अभी नहीं पता चल पाएगा कैजुअल्टी एग्जैक्टली। अभी फिलहाल हम लोगों ने ऐसे 4 जो है डेड बॉडी, पुलिस गाड़ी को भी आग के हवाले किया। हाँ, जनता उग्र हो गई थी, जिसमें जो है एक पुलिस की जो 112 की गाड़ी है उसको उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस जिला नौगछिया के नदी थाना क्षेत्र निवासी सीटू यादव हत्याकांड मामले के कुख्यात इनामी अपराधी को नौगछिया पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी शुक्रवार की देर रात नौगछिया SP पूरन कुमार झा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। जी, कल रात में नौगछिया पुलिस के द्वारा एक विशेष समकालीन अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य रूप से हमने 25,000 रुपये का इनामी, जो कि 7 केसेस उसके ऊपर थे एवं 4 केस में फरार चल रहा था, पप्पू यादव को पहले के कुख्यात अपराधी शबनम यादव के वास्ते से गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से इसको जगह है जो गिरफ्तार किया गया है? उसको कोसी नदी के दियारा से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कुछ मिला है? जी, इसके पास से एक मस्कट, एक देशी कट्टा एवं 8 राउंड्स मिले हैं। इसका मकसद क्या था वहाँ पर हथियार के साथ? यह जब से फरार हुआ है तब से ये उसी बासा पर छुपा रहता था, ये इधर आकर के क्राइम करने की नीयत से उस बासा पर रह रहा था। किस तरह का इसका आपराधिक इतिहास है सर? इसके आपराधिक इतिहास में इसने 2023 में सिंटू को मारा था, उससे पहले ये पुलिस पर भी फायरिंग कर चुका है एवं इसके ऊपर रंगदारी 307 27 आर्म्स एक्ट के अन्य मामले भी हैं। इसके पकड़ने से दियारा क्षेत्र में क्या कुछ देखिए, पूर्व से शबनम जेल में है, पप्पू के पकड़ने के बाद हम लोगों को लगता है कि दियारा क्षेत्र में शांति बरकरार रहेगी। भागलपुर नाथनगर थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी पर बीते शुक्रवार की रात अपराधियों ने अचानक फायरिंग कर दी थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस शराब तस्करों के विरुद्ध छापेमारी करने जा रही थी, उसी दौरान घटना घटी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को धर दबोचा, जबकि 2 अपराधी, एक देसी कट्टा और एक फायर की गई गोली को फेंक कर फरार हो गए। वहीं पकड़ाए युवक की तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा और
फायर किए गए एक गोली का खोखा मिला। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाई दासपुर गांव निवासी कुंदन कुमार के रूप में हुई है, जबकि फरार अपराधियों की पहचान गोसाई दासपुर निवासी ललन यादव और बंटी यादव के रूप में की गई है। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर जिला के शाकुंड प्रखंड अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज अंग बिहार नहीं करता। वीडियो शाकुंड प्रखंड अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर को संतोष वर्मा की पत्नी नंदनी देवी और उनके बेटे कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक बगल के ही रामदेव प्रसाद के बेटे चंदन कुमार और गुरु शरण वर्मा उर्फ नंदू ने उन लोगों को गाली गलौज करने लगे और बेटे के साथ मारपीट की। वहीं विवाद बढ़ते ही चंदन और गुरु शरण उसे अपने घर के अंदर लेकर चले गए और दरवाजा बंद कर पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि गुरु शरण वर्मा ने लोहे के रट से विपक्षी का सिर फाड़ दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया, जबकि पीड़ित महिला ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। महिला के पति संतोष वर्मा के साथ भी मारपीट की बात सामने आ रही है। वहीं पत्थरबाजी के घटना के बाद संतोष वर्मा एवं लखन कुमार निजी अस्पताल में भर्ती हैं। घटना का कारण नाली के पानी का निकासी बताया जा रहा है। मामले में सजौर थाना प्रभारी सूरज सिंह ने गुरु शरण वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड परिसर में महिला एवं बाल विकास निगम के बैनर तले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता का मंचन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग के अलावा छात्र छात्राएं मौजूद थी। कार्यक्रम का आयोजन जीवन जागृति कला मंच बिहटा पटना के माध्यम से किया गया। कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक कर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक किया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं का कटाक्ष करते हुए लोगों को जागरूक किया। भागलपुर ललमटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पासी टोला मोहल्ला में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब बनाने में प्रयुक्त महुआ गुड़ नशे की गोली और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से दो कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। मामले पर ललमटिया थानेदार राजीव रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी कर दो कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार कारोबारी की पहचान पासी टोला निवासी बंटी कुमार चौधरी और राजकुमार के रूप में की है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए
तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuleddybulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। उर्दू एक्शन कमेटी एवं सोहना दाऊद एजुकेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को बरहपुरा में सरसैया दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने की। इस अवसर पर उर्दू कमेटी के जिला अध्यक्ष हाजी दाऊद अली अजीज ने सर सैयद साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर चर्चा की। स्वागत डॉक्टर नैयर हसन और धन्यवाद ज्ञापन राहिना अख्तर ने किया। मौके पर हाजी बिलाल अहमद, हाफिज गुलाम रब्बानी, आशना रुबाना, ताबिया तमन्ना समेत कई लोग मौजूद थे।